भारत में पिछले कुछ सालों में सेवन सीटर एमपीवी कारों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा एमपीवी की खूब बिक्री होती है, लेकिन फिर भी यह बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। ऐसे में यदि आप भी एक सेवन सीटर एमपीवी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप मारुति सुजुकी की अर्टिगा नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक अन्य पॉपुलर एमपीवी किया कैरेंस के बारे में बताऊंगा, जो कई मामलों में अर्टिगा से बेहतर है। हालांकि इसकी कीमत भी इससे थोड़ी ज़्यादा है। किया कैरेंस का मुकाबला अक्सर मारुति सुजुकी एक्सल 6, महिंद्रा मराजो, मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा जैसी कारों से होता है, लेकिन किया कैरेन ने अपने न्यू डिज़ाइन और फीचर्स की वजह से इंडियन मार्केट में अपनी एक नई पहचान बना ली है। तो चलिए जानते हैं किया की इस एमपीवी के बारे में। किया सेल्टोस के जरिए भारत में कदम रखने वाली साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी किया मोटर्स लगातार अपनी पकड़ बनाती जा रही है। कंपनी इस समय अलग अलग सेगमेंट वाली 5 गाड़ियों की बिक्री कर रही है। कंपनी का सबसे लेटेस्ट मॉडल किया कैरेंस है, जो एक 7 सीटर कार है। इस गाड़ी की कीमत 10,45,000 से लेकर 19,45,000 रुपये एक शोरूम तक जाती है। इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की खूबियाँ और कमियों दोनों के बारे में बताऊँगा। डिज़ाइन वाइज यदि बात की जाए तो किया कैरेंस एक लग्जरी एमपीवी कार है। इसके फ्रंट में किया सिग्नेचर टाइगर ग्रिल मिलती है, जो क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है। इस कार में फुल LED सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें LED हेडलैम्प, LED DRL, LED टर्न इंडिकेटर, LED फॉग लैम्प और फ्रंट सेंसर्स मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इस कार में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा कार में नेक्स्ट जनरेशन किया कनेक्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जो कि गर्मियों में काफ़ी आरामदायक होने वाला है, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 स्पीकर, बॉस म्यूजिक सिस्टम, वॉइस कमांड, वायरलेस फोन चार्जिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वन टच फोल्डिंग सेकेंड रो सीट्स, सिंगल पैन सनरूफ जैसी कई महत्वपूर्ण फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो किया कैरेंस के हर किसी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इस कार में सुरक्षा के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, रियर एंड फ्रंट सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इंजन की बात करें तो 16 से 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम की जाने वाली किया कैरेंस में 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का विकल्प मिलता है, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। इस कार में 45 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है और कार मात्र 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ये तो इस गाड़ी की खूबियां हो गई। हालांकि इस गाड़ी में कुछ कमियां भी हैं। किया कैरेंस क्लास लीडिंग रोबस्ट 10 हाई सेफ्टी फीचर्स के साथ में आने के बावजूद किया कैरेंस को ग्लोबल एनकैप में केवल 3 स्टार ही मिले हैं, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बड़ी गाड़ी होने के बावजूद 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है। ये फीचर आपको एक लंबी गाड़ी को पार्क करने और मुश्किल जगहों से चलाने में मदद करता है। दूसरी फीचर इसका सनरूफ, जो थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। ओवरऑल यह सटीक कीमत पर लंबी फीचर लिस्ट और ज़्यादा इंजन ऑप्शन ऑफर करने वाली 7 सीटर गाड़ी है, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।